कासगंज पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में चली गोली, दो लोग हुए घायल। घायलों को पुलिस की मदद से आनंद फानन में कराया जिला अस्पताल में भर्ती। घायलों को उपचार के बाद हालत गंभीर देख डॉक्टर ने किया अलीगढ़ रेफर। घटना स्थल पर पहुंचे आला अधिकारी, पुलिस बल व PAC तैनात। दोनों पक्षों में चली कई राउंड गोलियां, गांव में बना दहशत का माहौल। गांव की घेराबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव बरकुला की घटना। हमारे माँ बाप भाई सब गए थे नहर काटने। हम लड़कियां थे, हम अपना काम कर रहे हैं। मेरी बहन के मेरी दीदी यहाँ पर खड़ी थी, उसको यहाँ पर खड़े होके उसने सूबेदार ने गोली मेरी बहन के मारी है। क्या कारण था? कोई कारण नहीं था, हमसे तो कोई लड़ाई नहीं थी, उनकी कोई हमें चुनौती देंगे निकलो भोसड़ी के तुम्हें मारूंगी मैं। और बरकुला में गोली कांड हुआ, क्या पूरा मामला है? गांव बरकुला थाना क्षेत्र सोरों में आज सुमेर और रवि के बीच में किसी बात को लेकर के आपस में कहा सुनी झगड़ा हो रहा था। यह झगड़ा थोड़ा सा इन लोगों में आपस में ज़्यादा बढ़ा। इसके दौरान इन लोग के दोनों पक्ष आपस में आमने सामने आए हैं और एक दूसरे के उसमें उनका विवाद बढ़ता गया है। विवाद के दौरान फायरिंग हुई है। फायरिंग में दो लोगों को चोटें बताई जा रही हैं। मजदूरों को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल रवाना किया गया, बेहतर इलाज उन पर जारी है। और यहाँ पर हम जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनकी तलाश करके आवश्यक विधिक कार्यवाही करेंगे। जो पक्षों की तरफ से जो भी तहरीर मिलेगी उसके समुचित धाराओं में अपराध पंजीकृत करते हैं। सर, अगर बात की जाए कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई है यहाँ पे? अभी इस पर हम गाँव में ही हैं, ज़्यादा जो इस घटना में ज़्यादा से ज़्यादा जो संलिप्त लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हम चाहिए। सर, बात की जाए दो मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर जो गोलीकांड हुआ है उसके बारे में भी हम तहकीकात कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में अभी एकदम डायरेक्ट कोई ऐसी चीज़ संज्ञान में नहीं आ रही है, अगर उस पर हम उसकी जांच करेंगे और